बेगूसराय में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नमस्ते बिहार का पहला वृहद जन संवाद का आयोजन जीडी कॉलेज में किया गया। आईपीएस विकास वैभव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार समेत अन्य राज्यों के हजारों की संख्या में बुद्धिजीवी ने नमस्ते बिहार जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह के बाद लेट्स इंस्पायर के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि नमस्ते बिहार लेट्स इंस्पायर का पहला वृहद जन संवाद कार्यक्रम बेगूसराय आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेट्स इंस्पायर के संस्थापक विकास वैभव ने लोगों को यह संवाद दिया, जाति धर्म और संप्रदाय के ऊपर उठकर जब तक बिहार के लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक बिहार 2047 तक विकसित नहीं होगा। इस जन संवाद कार्यक्रम में बिहार के 38 जिलों से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम सब ने संकल्प लिया है कि बिहार जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर नया बिहार बनाएंगे जो पुराने बिहार की तरह होगा। बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला जन संवाद है। संदेश यही है कि जाति धर्म संप्रदाय तीनों से ऊपर उठकर जब तक बिहार के हर जन नहीं जोड़ते बिहार 2047 तक विकसित प्रदेश नहीं होगा। बिहार को हम सभी चाहते हैं विकसित प्रदेश होने के लिए सभी को इन सभी छोटे छोटे बातों से जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं उससे हट कर सहयोग करना होगा। बिहार के लिए शिक्षा समता उद्यमिता मंत्र है, पूर्वजों की दृष्टि आधार है। आज मन बहुत प्रसन्न है, बिहार के 38 जिले से हजारों की संख्या में लोग आए इस गणेश दत्त महाविद्यालय में और सबने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जाति सांप्रदायिक बंधनों से मुक्त होकर नया बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे जो अपने पूर्वजों की दृष्टि के अनुसार होगी, जो बड़ी होगी। क्योंकि बिहार में उस काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, तब यदि ऐसे विश्वविद्यालय बना सके, तब यदि ऐसी उद्यमिता को स्थापित कर सके, उसका कारण हमारी वेदांत की दृष्टि थी जो भेदभाव नहीं करती, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखती थी। और ऐसी भूमि जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, निश्चित है वहाँ जातियां बिहार में तब भी थी, लेकिन यदि इस प्रकार का जातिवाद इस संघर्ष को आज हम देखते रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था उसका उदय नहीं होता। अगर ऐसा रहा होता तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति इस छोटे छोटे सोच से आगे सोचते थे, वैशाली स्थापित की, शून्य को देखा, अनेक परिवर्तन किए, बिहार अग्रणी था। इसी संकल्प के अपने जीवन काल में बिहार को पुनः अग्रणी हम बनाएंगे जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, उसका प्रमुख मंत्र है उद्यमिता का विकास। आज 30 वर्ष से कम लगभग 9 करोड़ की संख्या में युवा है जिनको अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की बिहार में ही आवश्यकता है। इसके लिए हर बिहारवासी को संकल्प लेना हो, चाहे किसी वर्ग से हो, किसी जाति से हो, तो मिलकर बिहार को बदलेंगे। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक परिवर्तन का संकल्प लिया है बृहद जन संवाद के माध्यम से। संदेश है नमस्ते बिहार, पूरा भारत करे नमस्ते बिहार, उसकी क्षमता को देखे आगे वाले समय में, और इसको हर जिले में बिहार के हम लोग यहाँ से करेंगे। 20 जनवरी को आरा में हम लोग द्वितीय नमस्ते बिहार बृहद जन संवाद करेंगे और बिहार के सभी जिलों में करते हुए उद्देश्य है हर ग्राम हर नगर के हर जन तक पहुँचना, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, और सबके साथ मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करना जो अग्रणी हो और भारतवर्ष के स्थान में अपना अपनी भूमिका निभा रही है। क्या आपको लगता है बिना राजनीति में जाए ये कर पाना संभव होगा? देखिए, राजनीति एक माध्यम है, निश्चित मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ अच्छे लोगों को, निस्वार्थ लोगों को, ईमानदार लोगों राजनीति में आना चाहिए, इससे बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उससे भी बड़े परिवर्तन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार को बदलना है और बिहार को बदलने के लिए केवल राजनीति से नहीं बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन चाहिए। उसी प्रयास में लगाऊँ कि समाज के हर वर्ग को जागृत करूँ और जगाऊँ और बताऊँ कि बिहार तब क्या था, अब क्या है, और तब कारण क्या थे, अब कारण क्या है। केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह संभव नहीं, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन बृहद स्तर पर करना होगा। उसी की श्रृंखला का प्रारंभ आज हम लोगों ने बेगूसराय से किया। सर, क्या ऐसा देखा जाए कि निकट भविष्य में विकास में राजनीति में आएंगे? जो है वो जाति के ग्रुप पर ही घूम रही है, तो क्या कठिनाई यहाँ से? देखिए, मैं तो बिहार को जानता हूँ और जानता हूँ बिहार के उत्थान का कारण यही था कि बिहार जाति से परे सोचती है। आज भी इसी संदेश को हर युवा हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय हमारा है और यदि हम चाहते हैं बिहार उज्जवल हो, इससे ऊपर उठना होगा, जब संघर्ष करते रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की भूमि, तो ये कुछ और भी पूरे समय जो मेरे पास जीवन शेष है समाज को देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ, हर शनिवार रविवार जो परिवार को दे सकता हूँ बिहार इसलिए देता हूँ, बिहार नहीं बदला मेरा परिवार कैसे बदला। मेरे मन में संकल्प है कि हर व्यक्ति को जोड़ू, जो मैंने बात कही राजनीतिक बात नहीं की, सामाजिक परिवर्तन के लिए ये कार्य कर।